नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नई योग सीरीज के अंदर। और मेरा नाम है डॉक्टर डी। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राणायाम के बारे में, क्योंकि हमारी नई योग सीरीज है, हमने जो चालू की थी वहाँ पर हमने बहुत सारे ऐसे आसन बताए जो कि आप अपने घर पे जाके कर सकते हो। यहाँ तक कि हमने सूर्य नमस्कार भी अगले वीडियो में बताया है कि जो सूर्य नमस्कार करके आप अपने हेल्थ को कैसे अच्छी और मेंटेन बना सकते हो और कैसे अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल कर सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राणायाम के बारे में। योग के अंदर प्राणायाम को निकाल दे तो समझ लो उसकी आत्मा निकल गई, इस तरह से प्राणायाम का महत्व है योग शास्त्र के अंदर। तो दोस्तों, प्राणायाम के बिना योग, यानी कि एक शरीर के अंदर प्राण के बिना किस तरह से जीवित रहना मुश्किल है, तो इस तरह से होता है कि शरीर के अंदर प्राण ही ना हो तो जीवन का महत्व कुछ होता ही नहीं, क्योंकि प्राण ही है जो हमें टिकाए रखता है। तो योग के अंदर प्राणायाम का इतना बड़ा महत्व बताया गया है कि जैसे उसका एक सोल हो या फिर उसका एक प्राण हो, तो इतना हमारे योग के अंदर प्राणायाम का महत्व बताया गया है। तो उसी प्राणायाम के अंदर हमारा एक प्राणायाम है जिसको हम कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम इतना महत्वपूर्ण प्राणायाम है या फिर इतनी उसकी इम्पोर्टेंस है, जहाँ पर अगर प्राणायाम करते हैं और आप अनुलोम विलोम नहीं करते, मीन्स कि आपने प्राणायाम किया ही नहीं, क्योंकि प्राणायाम के अंदर अनुलोम विलोम बहुत ही ज़रूरी है आपकी शरीर शुद्धि के लिए, आपके और नाड़ी शुद्धन के लिए। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में बाबा रामदेव जी की कृपा से प्राणायाम है या फिर योग है, वो सारे घर घर में फेमस हो चुका है और शायद आपको सबको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगा, लेकिन मैं आज बताना चाहता हूँ कि जो प्राणायाम करते हैं या फिर जो योग करते हैं, उसमें से अभी तक बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अनुलोम विलोम को सही तरीके से अपना प्राणायाम सेशन भी बोलते नहीं, यानी कि अनुलोम विलोम जो है वो प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम। अभी कई लोग बोलते हैं लोम विलोम, तो कई लोग गलत तरीके से बोलते हैं, कई लोग गलत तरीके से उसको प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप भी कुछ गलत तरीके से करते हो या फिर आपको कुछ डाउट से अनुलोम विलोम के बारे में, तो आज आपका ये पूरा डाउट जो है इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि कौन सी टेक्निक से आपको करना चाहिए, कितनी ब्रीदिंग लेनी चाहिए और कितनी देर तक करना चाहिए, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले जान लें कि अनुलोम विलोम का सही नाम क्या है। तो अनुलोम विलोम तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, यानी कि एक नाक से ब्रीदिंग लेना, दूसरे नाक से छोड़ना। मीन्स के इसका मतलब ये है कि आपको लेफ्ट से ब्रीदिंग करना है, राइट से ब्रीद आउट करना है, राइट से ब्रीदिंग करना है और लेफ्ट से ब्रीद आउट करना है। तो ये एक साइकिल की तरह आपको ब्रीदिंग ब्रीद आउट करना है, तो इसको इसलिए इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। और ये दूसरा एक शास्त्रीय में नाम भी है या फिर हठ योग में भी इसका नाम है नाड़ी शोधन, यानी कि शास्त्रों में बताया गया है, योग के जो भी शास्त्र है उसके अंदर ये नाड़ी शोधन प्राणायाम को बताया गया है। इसके अंदर ये बोलते हैं कि आपके शरीर की जो भी 72,000 नाड़ी है उसको ये प्राणायाम अच्छी तरह से शुद्ध करता है, इसलिए इसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। दोस्तों, अगर इस प्राणायाम के लाभ के बारे में या फिर बेनिफिट्स के बारे में अगर बात करना चाहे, तो कि आपके सिर के बाल से लेकर आप पैरों की उंगलियाँ है वहाँ तक जो भी बीच के अंदर आपकी बॉडी में जो भी पार्ट्स है, जो भी ऑर्गन आएंगे या फिर जो भी चीज़ें आएंगी, उसको सभी के लिए ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा लाभकारी है। यहाँ तक कि मैं बोलना चाहूँगा कि 300 से 500 बेनिफिट खाली एक ही प्राणायाम से आपके बॉडी के अंदर मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं प्राणायाम को किस तरह से किया जा सकता है। नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन को अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। इस प्राणायाम की मुख्य विशेषता है कि ये दाएं और बाएं नासिका छिद्रों से क्रमवार श्वास प्रश्वास को रोककर या बिना रोके किया जाता है। नाड़ी शोधन को करने के लिए सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाएं, जो कि एक ध्यानात्मक आसन है। सुखासन के अलावा नाड़ी शोधन दूसरे ध्यानात्मक आसन जैसे पद्मासन, स्वस्तिक आसन या वज्रासन में भी किया जा सकता है। जो जमीन पर बैठने में असमर्थ हैं, वे कुर्सी पर बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। सुखासन में बैठते समय सुनिश्चित करें कि आपका मेरुदंड सीधा हो, सर ऊंचा, दोनों हथेलियां घुटनों पर और आंखें बंद हों। अपने मेरुदंड को सीधा रखने में आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। अब कुछ गहरी सांसें लेकर शरीर को आराम की स्थिति में लाएं। नाड़ी शोधन का अभ्यास शुरू करने से पहले आइए अपनी उंगलियों की पहचान कर लेते हैं। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। अब अपने बाईं हथेली को ध्यान मुद्रा में लाने के लिए
अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली को आपस में छूकर एक गोले का आकार दें और अपनी मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा उंगली खुली रखें। अब दाईं हथेली को नासाग्र मुद्रा में लाने के लिए मध्यमा और तर्जनी उंगली मोड़कर बंद करें और अंगूठा, अनामिका और कनिष्ठा उंगली खुली रखें। अब अपने दाएं हथेली के अंगूठे को, जो कि नासाग्र मुद्रा में है, अपनी दाईं नासिका छिद्र पर रखकर नासिका छिद्र बंद कर लें और बाईं नासिका छिद्र से सांस भीतर लें। फिर बाईं नासिका छिद्र अनामिका और कनिष्ठा उंगलियों से बंद कर लें और दाईं नासिका छिद्र खोलकर सांस बाहर छोड़ें। अब अपनी दाईं नासिका छिद्र से सांस भीतर लें और उसे अंगूठे से बंद कर बाईं नासिका छिद्र खोलकर सांस बाहर छोड़ें। यह नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। ऐसे 5 चक्र दोहराइए। प्रारंभ में सांस लेने और छोड़ने में बराबर ही समय लगेगा, लेकिन सांस को बहुत ही धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितना समय हम सांस भीतर लेने में लगाते हैं, उससे दुगना समय सांस छोड़ने में लगे। सांस धीमी, स्थिर और नियंत्रित अनुपात में बनाए हुए रखें। नाड़ी शोधन का मुख्य उद्देश्य शरीर में ऊर्जा वहन करने वाली सारी नाड़ियों का शुद्धिकरण करके पूरे शरीर का पोषण करना है। ये हृदय रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है। नाड़ी शोधन कफ संबंधित विकारों को दूर करता है। नियमित रूप से नाड़ी शोधन का अभ्यास जीवन शक्ति और एकाग्रता बढ़ाता है और तनाव तथा व्यग्रता के स्तर को कम करके शांति प्रदान करता है। तो देखा दोस्तों आपने कि ये अनुलोम विलोम प्राणायाम किस तरह से करना है, कौन कर सकता है, कहाँ पर करना है, कितनी देर तक करना है और किस सीक्वेंस में आपको करना है, तो ये सारी बातें आपने जानी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को अच्छी तरह से आप देखें, समझें और अपनी लाइफ में भी प्रैक्टिकली उसको यूज़ करें। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे लोग भी उससे बेनिफिट ले पाए, और मेरी चैनल को नीचे दिए लाल बटन पे दबाकर उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो भी और अच्छी तरह से आप देख पाए। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।